नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, कल शाम को मेरा जो YouTube चैनल वो हैक हो गया था और बहुत ही शातिर हैकर था, यानी पलक झपते ही मेरा पूरा एक्सेस ले लिया और मेरा जो लैपटॉप है उसका पूरा एक्सेस ले लिया। फिर उसमें मेरा पूरा YouTube का एक्सेस था, टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ले लिया, फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया। फिर कैसा मेरा रिकवर हुआ, किसने मुझे हेल्प किया। आप अगर फेसबुक या फिर यूट्यूब चलाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली स्ट्रांग होके भी मेरा हैक हो गया। ठीक है, ये नहीं बोलता मैं बहुत अप टू ग्रेट हूँ, लेकिन मुझे भाई बहुत जानता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस था, उसके बाद में मैंने इसकी पढ़ाई भी की थी, MBA के बाद में भी इसको बहुत डीप से जाना है, साइबर क्राइम को। और घर में हमारे बहुतांश पुलिस है और साइबर क्राइम से अच्छी खासी दोस्ती रही है मेरी, जो भी वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में है। तो तभी भी चैनल कैसे हैक हुआ, आपको क्या नहीं करना चाहिए, जो गलती मैंने की, और शायद मैं पहला इंसान हूँ कि जो 6 घंटे में वापस ला लिया। ठीक है, किसने हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, सभी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा वाक्य सुनिए। कल शाम को 4:30 बजे मैं बैठा और मेरी गलती ये हुई कि एक स्पैम मेल पे मैंने क्लिक कर दिया स्पॉन्सरशिप के। बहुतांश लोगों को पता है कि मैं US वगैरह के जो AI टूल है, सॉफ्टवेयर है, उनके स्पॉन्सर्ड वीडियो में करते रहता हूँ, डोमेन की वेबसाइट रहती है, तो ये जेन्युइन है। लेकिन स्पैम पे क्लिक किया और एक ZIP फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। क्यों चल रहा था, आज से 1.5 साल या 2 साल पहले नासिक के कोई सर थे, उनका DM मुझे आया था इंस्टाग्राम पे, और तब ये चल रहा था, बहुत लोगों के हैक हुए जिनको ये मेल आया था और वो बच गए, वो भी इस बात को जानते होंगे, और जो जिनका चैनल हैक हुआ था वो भी जानते हैं कि फ्री में लैपटॉप बांट रहे 1.5 लाख का, और बाकायदा इमेज वगैरह दे रहे हैं कि कौन सा चाहिए आपको, आपके एड्रेस पर आ जाएगा, आप इस फाइल पर क्लिक करिए, ये हमारा की है, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है। तो वो अगर पासवर्ड कॉपी करके उसमें डाल लिया तो वो आपका पूरा लैपटॉप जो भी एक्सेस है वो हैक हो जाता है। तो मैंने भी ZIP फाइल को क्लिक किया और ZIP फाइल ओपन हो गई तो एक पासवर्ड आया, पासवर्ड मेल में था, वो कॉपी किया उसमें डाला। तभी नहीं हुआ, 10 मिनट बाद मैं फिर ऐसे यहीं पे बैठा था, ये जो पोजीशन है मेरी यहीं पे बैठा, सामने लैपटॉप था, फिर मैं ऐसी चेयर करके यहाँ पे पैर वैर रखता हूँ मैं, और ऐसे ऐसे कर रहा था मैं। तो फिर आपके अगर 2-3 फ़ोन रहे तो आप क्या करते हो कभी कभी कि भाई इससे भी जीमेल देख लिया, उससे भी जीमेल देख लिया, साइन आउट कर लिया, साइन इन कर लिया, तो फिर इससे साइन आउट साइन इन किया तो उस फ़ोन पे जाता है कि भाई आपका कोई यूज़ कर रहा है, ये आप ही है, ओके येस और नो, ऐसे आता है। तो मैंने कुछ किया भी नहीं तो मेरे दूसरे फ़ोन पे आ गया वो कि कोई तो भी आपका एक्सेस कर रहा है, येस और नो। तो मैंने नो पे किया तभी भी हो गया पूरा। फिर फटाक से मुझे समझ में आया, ये सिर्फ वो होने के बाद में मैं 10 सेकंड में पूरा मैं रेडी हो गया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। 10 सेकंड में ध्यान में रखिएगा, आगे बताऊंगा कि कितने जल्दी आपको एक्शन लेना होता है ताकि आपका सब वापस आ जाए। ठीक है, 10 सेकंड में फिर मैंने इधर उधर देखा, YT स्टूडियो नो एक्सेस, फिर लैपटॉप तो पूरा ही गया था, दूसरा फ़ोन नो एक्सेस, एक और तीसरा फ़ोन है नो एक्सेस, अभी क्या करूँ। तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के नंबर थे, लेकिन मेरे पास मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इसरार मलिक, टेक इसरार नाम से, टेक्निकल इसरार नाम से पहले था, अभी टेक इसरार हो गया उनका। तो उनको फ़ोन किया, क्योंकि उनकी और मेरी स्टोरी ऐसी रही है, 1.5-2 साल पहले उनका फ़ोन आया था मुझे, तो पहचान हो गई थी वो बिज़नेस के सिलसिले में कि सर हम ऐसा ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, क्या आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे वगैरह। मैंने बिल्कुल, आप मेरा सपोर्ट है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो तब पहचान, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वैसेज, लाइक वगैरह, स्टेटस वगैरह। उसके बाद 1.5 साल बाद मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने उठाया, बोले आधे घंटे में मैं फंक्शन निपटा के आता हूँ, कुछ तो भी काम था और टेंशन मत लो। उन्होंने बोला थोड़ा सा दिलासा है, चलिए, क्योंकि उन्होंने बहुत रिकवर किया और पूरे, यानी जब तक वापस नहीं आता तब तक वो मेरे साथ थे। और उन्होंने ये भी बोला कि रात को कितने भी 2-3 बजे मैं आपके हेल्प करूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने वो जो पास की होता है और एक कोड होता है वो भी चेंज कर लिया। फिर क्या हुआ, मैंने 1-2 वीडियो देखे, इस सर भाई का मुझे मैसेज आता है कि सर अभी 10:30 बज रहे, सो जाओ, मैंने पूरा कर लिया। उन्होंने वो हाईजैक फॉर्म रहता है वो उन्होंने फिल कर दिया, क्योंकि इसरार भाई जो है वो एक रेपुटेड यूट्यूब के ट्रिक्स वगैरह देने वाले इंसान हैं। ठीक है, ऐसे मिलियन में फॉलोअर्स सब्सक्राइबर लेके लोग बैठे, लेकिन इनको सटीक नॉलेज है और आप चेक भी कर सकते हो। और आगे अगर देखिए, मेरे तो वो फ्रेंड्स तरीके थे, अगर आपका नहीं है कोई तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा।
तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला, लेकिन तभी भी मन में कुछ ये वो चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी जीमेल आईडी हैक हुई, तो मैंने गूगल पे गया और जीमेल आईडी हैक रिकवर फ़ोन नंबर करके एक ऐसा ये डाला, सेम जो मैंने बोला जीमेल आईडी हैक रिकवर फ़ोन नंबर, तो एक फॉर्म ओपन हो गया गूगल के तरफ से, पोस्ट करो कि भाई आपके साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ कि मेरा चैनल हैक हो गया है, और वहाँ पे आपको जीमेल मेंशन नहीं करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लगाना पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट दे दिया, तो फिर तब तक चैनल था, चैनल पे कुछ भी नहीं, मुझे पता था कि वो लाइव स्ट्रीम करके क्रिप्टो वगैरह के वीडियोस डालते, वो भी उन्होंने डाले थे, वो कैसे ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्ड हो गए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर तब तक चैनल था, फिर 12 बजे मेरे वाइफ बोले कि देखिए टेंशन मत लो, सो जाओ करके। तो फिर मैंने सोते सोते किया भाई विकास इंग्ले, तो चैनल ही ऐप और टेंशन आ गई। फिर मैंने इसरार भाई को 12:30 बजे किया, तो बोले होता है, बोले आप टेंशन मत लो। तो फिर मैं यानी गुड नाइट बोल दिया इसरार भाई को, और मैं कुछ ना कुछ करते रहा, क्योंकि भाई इतने सालों की मेहनत है, टेंशन तो आता ही है, बिल्कुल आता है। तो फिर क्या हुआ, वो फॉर्म मैंने भर दिया। फिर मैंने क्या किया, अगर आपके कोई बड़े यूट्यूबर पहचान की नहीं तो आपको क्या करना है, आपका एक भी फॉलोअर रहा ट्विटर पे तो चलेगा, ट्विटर अकाउंट ओपन करना है और पोस्ट पे क्लिक करना है, जैसे अपन पोस्ट करते हैं वैसे ट्विटर पे ट्वीट करना है, पोस्ट करना है, @YouTube Team लिखना, या YouTube टीम या फिर YouTube, तो सबको पहले फॉलो कर लेना और बोलना कि मेरा चैनल हैक हो गया है, स्क्रीनशॉट होगा तो वो लगा लेना, नहीं तो आपके चैनल की आईडी दे देना। विद इन हाफ एन आवर पे या एक घंटे में वो लोग आपको डायरेक्ट ही ट्विटर पे मैसेज करते हैं कि अभी बताओ, फिर वो हाईजैक फॉर्म देते हैं, हाईजैक फॉर्म बहुत बड़ा रहता है, हाईजैक फॉर्म मेरा पूरा इसरार भाई ने भरा, वो पूरा लंबा रहता है, और मैं इतना फंबल्ड हो गया था कि मेरी चैनल आईडी भी मुझे पता नहीं थी, तो उन्होंने वो सब करके दिया मुझे। तो थैंक्स टू इसरार भाई। तो ये हो गया, अगर आपके पास में ये कुछ नहीं रहा तो आप डायरेक्ट ट्विटर पे जाना और थोड़ा सा काम कर लेना। अभी आपको क्या नहीं करना है, आपको स्पैम ईमेल पे, अगर आपके 10-20-50,000 सब्सक्राइबर होंगे तो स्पॉन्सर्ड वीडियो तो आते होंगे, तो बिल्कुल नहीं करना है स्पैम पे, आपको क्लिक ही नहीं करना है, कितना भी कुछ रहो। मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो की बात करता हूँ, कोई नॉर्मल भी किसी कोई भेजे तो स्पैम में चला जाता है। अभी सबसे बड़ा मेरा जो रिकवर होने का, मैंने रिकवरी मेल डाला था, रिकवर होने का मेरा रीज़न, रिकवरी मेल जो है मुझे बताया गया कि 72 आवर्स तक चलते रहता कितना भी कुछ करो। तो फिर क्या हुआ, मुझे रात को तकरीबन 2:45 बजे दूसरी ईमेल आईडी देना होता है हाईजैक फॉर्म में, कि जो कि आपके रिलेटेड नहीं है, ताकि वार्तालाप हो सके। तो उस पर यूट्यूब टीम का मैसेज आता है कि देखिए आप नहीं, ये 3:45 बजे 3:15 कि आप क्या करो, वो पूरे गूगल जो क्रोम जो भी आपने आईपी एड्रेस वाले फ़ोन से किया या जो जिस भी ब्राउज़र से किया है, आपको क्या करना होगा, जो कुकीज़ है कैश मेमोरी है वो पूरा डिलीट कर दीजिए, या तो फिर दूसरे डिवाइस से करें। तो मेरा दूसरा फ़ोन था उसमें बिल्कुल साफ था वो, तो वहाँ पर किया मैंने, और जैसे ही किया उन्होंने एक ये बोला कि रिकवर मेल जीमेल, रिकवर माय जीमेल एक लिंक रही थी उस पर, फिर आपकी आईडी डालना पड़ता है, ईमेल आईडी वही जो हैक हो गई थी, और मुझे पता ही नहीं इतने जल्दी हो जाएगा करके। मैंने डाला और क्लिक किया और लिख के आ गया कि आपके रिकवरी मेल चेक करें। मैंने फटाक से किया, वो कोड डाला 6 और हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया और टू स्टेप वेरीफिकेशन किया, पास की डाला, कोड डाला, सब डाला, और वो सब कैप्चर करके मेरे तीनों चारों जितने भी जीमेल अकाउंट है, ईमेल अकाउंट है, मैंने उस पर कर दिया सेफ कि भाई अब तो नहीं, और जितने भी मेरे हैं मैंने सब पे सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर लिया। अभी देखिए आपको रिकवरी मेल डालना है भाई, नहीं तो मेहनत पूरी, इतने सालों की मेहनत, पैसे तो जाएंगे लेकिन जो मेहनत किया वो पूरा चला जाएगा भाई, पैसे ही जाएंगे और एक जो स्टेटस रुतबा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि स्टार्ट से अब देखो मेरा यूट्यूब दूसरा चैनल है, मोनेटाइज है, फेसबुक से पैसे आते हैं, वेबसाइट है और भी है, लेकिन जो मज़ा इसमें है ना, ये चैनल था तो इसीलिए इसके सब चैनल्स बने हैं मेरे अर्निंग सोर्स, तो ये मेन है, भले ये सब्सक्राइबर कम दिख रहे होंगे, इवन एडसन के पैसे भी इस पर कम आते, लेकिन बाकी तरीके से इसमें बहुत पैसे आते मुझे, तो ये मेन चैनल था, ठीक है। पैसों की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बात है कि आपका चैनल हैक नहीं होना चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। मेरी दूसरी गलती कि मैंने तकरीबन 1 साल से पासवर्ड चेंज ही नहीं किया, और मेरी दूसरी गलती ये रही कि मैं क्या करता था, यानी 2-3 फ़ोन वो सभी करते हैं, साइन आउट
साइन इन, साइन आउट, साइन इन, साइन आउट, साइन इन, तो इससे भी बहुत फ़र्क गिरता है। तो एक फ़ोन में एडिटिंग वेडिटिंग तो उसी में करो, लैपटॉप होगा लैपटॉप में करो, तो जो मेन है वो ज़्यादा शेयर मत करो ईमेल आईडी अपनी। तो ये बात थी भाई, इसीलिए फिर फेसबुक पे मेरा पेज ग्रो हो रहा है, वहाँ पे मैसेज सर आपका चैनल नहीं दिख रहा, चैनल ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी बहुत सक्रिय रहता हूँ, वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे चैनल हैं अगर आप देखिए वहाँ पे, मैं क्रिकेट स्टोरी वोरी और बहुत क्राइम स्टोरी की भी बातें करता हूँ, मूवीज़ के रिव्यूज़ की भी बातें करता, तो वहाँ पर भी अच्छे खासे लोग हैं, तो बोल रहे सर आपका चैनल नहीं है। तो फिर मैं बोल रहा, फिर मैंने सोचा कि भाई सवेरे एक वीडियो ही बना लूँ, सवेरे ही बना रहा था लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अभी ये रात को अपलोड होगा। तो फिर क्या हुआ, ये सब रिकवर हो गया, तो मॉर्निंग को देखा तो जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग क्या करते हैं, एक तो लाइव स्ट्रीम करते हैं क्रिप्टो के, और ये जो US का बंदा था और इसने मैकबुक से सब कुछ किया था ये, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मुझे YT स्टूडियो में दिख रहा है कि अभी आपने वीडियो क्रिप्टो के बारे में अपलोड किया, नो इशू फाउंड, नो, ये क्या है, अच्छे 10-12 वीडियो थे, 20 थे। तो फिर पता चला कि YouTube की टीम ने वो सब हटा दिया, जो भी एक्टिविटी उधर साइड से हुई है, IP एड्रेस देख लेते कि US से हुआ है, क्योंकि मैंने मेरा IP एड्रेस हमें हाईजैक फॉर्म में देना होता है, फिर उसी IP एड्रेस से हम रिकवर करते हैं, तो वो मानते कि भाई जेन्युइन बंदा है, सब आ गया मेरा। तो ये स्टोरी थी, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी कि चैनल किसी का भी हैक हो सकता है। और ईशरा भाई ने बताया कि टेक्निकल राजस्थान 4.5 लाख वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि 2 महीने बाद वो काम पे उन्होंने पूरा रिकवर किया। 2 महीने बहुत ड्यूरेशन होता है। एक बहुत बड़ा चैनल का नाम लिया भाई, आप सब जानते हो, नाम नहीं लूँगा मैं, वो कम से कम 15-20 लाख रुपये महीना कमाता है, वो भी हैक हो गया था, वो भी ला लिया। लेकिन उनका भी मानना था कि सर आपका जितना जल्दी आया उतना किसी का नहीं आया, क्योंकि मैंने 10 सेकंड के बाद ही सब यानी शुरू कर दिया। देखिए अभी अगर वो जीमेल आईडी चेंज कर देता मेरी, तो फिर क्या, भेज देता वो चैनल। तो ऐसा होता है, पिछले साल भी मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो कॉपीराइट स्ट्राइक छिंचो रहा, मैं यूट्यूब से बात कर रहा, और मांगे थे किसने कितने रुपये, उसने $150। मैंने बोला भाग, उसको थोड़ा सा बोला मैंने किधर का हो, क्या हो, पुलिस से कैसे नाता है मेरा, तो सॉरी करके उन्होंने हटा दिया था। तो ये पूरी स्टोरी थी, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। और अगर आप 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर वाले हैं तो कम मत समझिए, वो कभी लाख, 2 लाख, 10 लाख हो जाएंगे, पता नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 2-स्टेप वेरिफिकेशन करिए, आपका कोड डालिए, पासकीज डालिए, सब डालिए, आपका रिकवरी मेल अगर मैंने नहीं डाला होता तो मुझे नहीं पता क्या होता मेरे साथ में, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब की टीम तो सब सपोर्ट करती है, यूट्यूब ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे गूगल अपन दोनों दोस्त हैं तो इसका रिकवरी नहीं है, तो वो जो कोड आएगा वो कर देना यार, थोड़ा ऐसा नहीं चलता, रिकवरी मेल पे ही जाता हो, वो डाला तभी मेरा वो रिकवर हो गया। तो ये स्टोरी थी, अभी रेगुलर बेसिस पे अच्छे वीडियो आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। व्यूज़ थोड़े डाउन हो गए, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा शेयर वगैरह की कर दीजिए चैनल, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, और बहुत मेहनत लगती है ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए, आपको पता है मैं लंबे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए भाई। बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है, वर्डप्रेस की सीरीज़, कमाल की सीरीज़ आने वाली है, एनिमेशन भी है, और फेसबुक की तो क्या ही कहने, पूरे मैं प्रूफ दिखाऊंगा, बड़े बड़े प्रूफ है, प्रूफ दिखाने से आपके अकाउंट में तो पैसे आएंगे नहीं, आपको काम करना होगा। तो ये थी स्टोरी, आपको आशा करता हूँ कि सीखने को मिला है। आप जो गलतियाँ मैंने रिपीट रिपीट की आप मत करिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, गुड नाइट।